हेलो जी, राम राम जी सारा नए। और कैसे हो आप सब? आई होप भाई अच्छे हो गए और अच्छे ही होने चाहिए। तो भाई हो गई है सुबह और मेरी माँ कुत्ते ने दिखाने लग रही है, पता नहीं केले रोटी है थैली में घेर भी दी थी और अब भी और भी ले रही है रोटी घेरने खातर। तो भैया मारे हैं घेर में दूध निकालने के लिए और ये कुत्ते हैं यहाँ घेर में मारे हैं। जब हम दिखे ना तभी बाहर जावाएंगे, ये देखो पर डर भी लग गए इन्हें। तो भाई हम घेर में आ गए थे और आज ये हैं बत्ती। तो भाई ये जोत बत्ती कर रहे हैं। घेर में आ गए थे, दूध दाद निकाल ले आए थे, सारा काम कर आए थे। और माँ माँ भी नीचे है, माँ नीचे है, हम ऊपर हैं। और फिर जोत बत्ती ला गई करण आके। मैं अभी अपना थोड़ा बहुत जो काम वो कर लूँ। आज हम भाई घेर में जावेंगे, भैंस ने वहाँ पर ले आएंगे। माँ आज जोड़ पर नहीं लेकर जाते क्योंकि वहाँ नहीं लाई ना जाती अच्छी तरह। तो वैसे तो माँ रोज़ लेकर जाओ जोड़ पर आज ना लेकर जाते, तो इसीलिए भैया आज हम घेर में लेकर जाओगे। हमारा दूसरा घेर है वो दिखा के ले आएंगे हम, जहाँ पे समरसिबल लगा हुआ है उसके नीचे ले लाएंगे, ठंडा ठंडा पानी निकला होगा। तो भाई मैं लाया ले आऊँगे पैसा ने, माँ ने भी दुखी ना होना पड़ेगा दोपहर में। तो आज सोचिए हमने हमें ले जाओगे, है तो धूप भाई धूप हो जाए सुबह निकलते आ जाए धूप, तो पता नहीं इतनी गर्मी होने लगी बहुत ज़्यादा। तो भाई हम चल पड़े आज भैंस ने लाने के लिए। वैसे तो माँ लेकर जाया करे रोज जोड़ पर आज हम यहाँ अपने घेर में नहलाण खातर ले आए। इसका ये दरवाजा है, एक परली साइड से है, इसी में से ले जाओगे पर इधर गेट में तना है। यो भाई हमारा एक और घेर, यहाँ समरसिबल लग रहा है। चल तो इस समरसिबल के नीचे नहला के लेके जाएंगे हम अपने पैसों को। यहाँ देखो हमने बिरसम बो रखी थी, अब बिरसम सूख चुकी है बिल्कुल, मतलब कि सूखी नहीं ख़त्म होगी थी पहले बरसम, अब नहीं है। और ये देखो शहतूत का पेड़, ये नींबू का, ये कुत्ता छाया में आराम कर रहा है, भाग गया। और एक ये देखो एक ये इस छाया में आराम कर रहा है, बोलो बताओ ये छाया भी है। ये पिपड़ और बड़ है, इसकी छाया आ रही है भैया अपना, बहुत अच्छा है हमारा घेर। ये केले के पेड़, एक दरवाजा, वो दो दरवाजे हैं, एक उस साइड से एक इस साइड। ये है भाई हमारा समरसिबल, पाइप लगा लो ना जी, देखो कितना तेज पानी आता है। हाँ मेरे भी लगे छिट्टे, कुछ बांधना पड़ेगा ना, हूँ तो गर्मी हम बैसा मजे आ जाएंगे। देव चर आएंगे दोपहर में, नूनी ना लिया हुए ना कर। तो भैया लागे बैस नू आने, देखो ना कौन है मूसा है, खींचो आप, प्रेशर ज्यादा इस वजह था कौन मूसा है, बस सीधी अब तो। और ये हमारी बिरसम देखो, ये बडबेरी, इनका पहले ना बहुत पेड़ लाग रहे थे पर अब सूख चुकी है, खत्म हो चुके पत्ते। और इस साइड यहाँ मेरे पापा सब्जी बो लिया करे पर अब तो सीजन नहीं चल, सीजन तो नहीं गया मतलब कि बो नहीं रखी, खाली पड़ा है। एक अमरूद का पेड़ है, एक जामुन का है और एक अनार का, इसका अनार का पेड़ का बहुत अच्छा अनार लग गया करे। और ये टंकी हाथ धोने के लिए। और मैं आपको आप सबको अब दिखाते हूँ सबसे मेन चीज, हमारा मंदिर, ये देखो ये माता रानी का मंदिर है, माँ शेरावाली का, ये देखो भाई अंदर तक दिखाऊंगी बाहर से देखो। ये है और फिर ये है माँ काली का मंदिर, छोटे छोटे से हैं
जय माता की। और फिर ये एक और है माँ काली का, ये दोनों हैं, दो माता काली के मंदिर बना रखे हैं, और वो माँ शेरावाली का है और ये शिव जी का मंदिर है। दिखाती हूँ मैं आप सबको, हरिओम नमः शिवाय। मेरे कोई मंदिर ये है भाई शिव जी का, और ये माँ शेरावाली का मंदिर। मैं अंदर से दिखाती हूँ आप सबको, देखो एक ये दरवाजा इस साइड, तो वहाँ पे माता की तस्वीर लगा रखी है, मतलब कि बाहर जाके दिखेगी, बाहर से दिखाती हूँ। ये देखो भी एक दरवाजा, वो जो दिखाया था मैंने वो है दूसरे वाला, इस दूसरी इस गली में। और वो देखो मंदिर यहाँ से, और ये मंदिर भाई माँ शेरावाली का, और ये शेर जी माँ शेरावाली के आगरम। ये देखो माँ काली, गणेश जी, माँ शेरावाली, हनुमान जी, और ये देखो अंदर से यो मंदिर भाई मेरे ससुर ने बनाया है, अपनी खुद की कमाई थे, बहुत मेहनत कर रखी है मंदिर बनाने खातर। अभी बाकी पूरा नहीं हो रहा, कुछ कुछ रह रहा कहीं कहीं तो, पर फिर भी बहुत सारी मेहनत कर रखी है मेरे ससुर ने इस पर, और दोनों टाइम पूजा पाठ कराया करें यहाँ पे आके। ये देखिए जय माता की, ये है भाई माँ शेरावाली का हमारा मंदिर। देखो कितनी साफ सफाई है, और ये देखो माता रानी को पंखा लगा रखा था कि माता रानी को गर्मी ना लगे। मेरे पापा जी बहुत ध्यान रखे हैं भाई इस चीज़ का, और इसमें माता रानी के कपड़े वगैरह सब कुछ सारा सामान है। ये देखो धूप वगैरह है भाई, और ये पीछे से सारी चीज लगवा रखी, लाइट वगैरह पंखा भी है। ये माता के कपड़े रखे हैं यहाँ पे, और देखो पानी का कैंपर भी है, हर एक सुविधा कर रखी है भाई, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। मेहनत करी है बहुत अच्छी तरह करी है भाई मेहनत। ये देखो ये घंटी, और वे देखो ऊपर से बहुत ऊंचे तक है इसकी चोटी, बहुत मेहनत कर रखी है मंदिर बनाने खातर। और अब बाहर से देखो ये सब है, ये हमारा प्लाट है, इसमें आधे में मैंने बिरसंभू रखी थी, आधे में ये मंदिर बना रखे था। वे दो मामा काली के बना दिए छोटे वाले, एक वो इस पीपल के पीछे है वो शिव जी का मंदिर है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कच्चा भी रह रहा है, कुछ लाग रहे हैं कारण पापा मेहनत अपनी उससे, बहुत अच्छा है पर। और ये देखो पहले तो अकेले ने मेहनत करी थी, अब देखो भाई सब कोई दान देने लग गया है, तो भाई धीरे 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 करके हम कर रहे हैं हमारे मंदिर की का निर्माण, मतलब कि बड़ा बनाने। यहाँ बाहर भी पंखा लगा रखा है, और में गड़ा भी है, सारी चीज़ें भाई। यहाँ किसी को आराम करना हो तो दोपहर में कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये देखो भाई इसका
इस मंदिर के नीचे एक बैकग्राउंड में कमरा बना रखे है, मतलब कि नीचे। और इस कमरे का राज मैं बताती हूँ आपको अगले और हमारे नए व्लॉग में। तो भाई आज का हमारा व्लॉग आप सबको कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि हमारा मंदिर कैसा है और हमारे साथ